कौन कौन रवीना जी? क्या हुआ टीलू? क्या बताऊं रवीना जी, आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? पहले याददाश्त गई तो दुनिया अजनबी हो गई, अब आंखों की रोशनी जा रही है तो दुनिया अंधेरी हो रही है। अपने आप को संभालो टीलू। क्या खाक संभालू, एक मिनट जरा इधर आइए। मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं रवीना जी, मुझे जीने का कोई हक नहीं। क्या हो रहा है टीलू, जान दे रहा है? ओ अच्छा मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। छोड़ दीजिए मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए मुझे। आई लव। कौन है आप, क्या काम है? पुलिस? घबरा ही नहीं, मैं हूँ पुलिस डॉक्टर। जिस तरह पुलिस सूंघकर चोर को ढूंढ निकालती है, वैसे ही मैं सूंघकर मरीज तक पहुंच जाता हूँ। डॉक्टर प्रेम खुराना। खुराना? खुराना, खुराना, पुराना नहीं खुराना, डॉक्टर प्रेम खुराना। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके इस घर में एक मरीज छुपा हुआ है। जी जी, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं डंडा लेके खड़ी थी। जानता हूँ, लेकिन वो है कहाँ? हमें क्या पता था वो अपनी याददाश्त खो देगा, अब तो टीलू को कम दिखाई देने लगा है। टीलू? हाँ टीलू, वो हमें टीले पे मिल गया था ना, तो हमने उसका नाम टीलू रख दिया। मुझे देखते ही उसको सब कुछ साफ दिखाई देगा। क्यों टीलू? तू देखा, पहचाना कि नहीं पहचाना? इसका मतलब टीलू की याददाश्त आ जाएगी वापस? इस जन्म की, सात जन्म की वापस आई। ऐसे मरीजों की नस नस में वाकिफ हूँ। रवीना जी, ये कौन है? ये डॉक्टर है। डॉक्टर प्रेम पुराना, इस धंधे में बहुत पुराना। हैला, ये डॉक्टर है या कारपेंटर? कारपेंटर मेरा बाप था। रवीना जी, मुझे इलाज नहीं करवाना है, आप मुझे आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं इससे इलाज नहीं कराऊंगा, मुझे मरना है, मुझे मरना है। हाँ हाँ, तुम्हारी ये छवि बुरी कर देंगे। हाँ छोड़, नहीं हाँ छोड़, नहीं। रवीना जी, ये बीमारी छूने से फैलती है। रवीना जी, अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा नाम है प्रेम, प्रेम खुराना। देखिए अब मैं इसे कैसे ठीक करता हूँ। भूल गया अपनी दोस्ती, मैं तो तेरा दोस्त हूँ यार। बाहर में गई तेरी दोस्ती, तू चीटिंग से आया है। जी जाता है, तेरा गला दबा दूँ। अबे घोड़े का इंजेक्शन लेके आ, घोड़ी की तरह ही नहलाता रहेगा। ये आपस में क्या बातें हो रही हैं? ये डॉक्टर और पेशेंट की आपस की बात है। आपस की बात? आपस की बात? ये रॉन्ग नंबर क्यों लग रहा है डॉक्टर? टीलू, इलाज। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? रवीना जी, आप ही मेरा दर्द समझ सकती हैं। मुझे नहीं चाहिए याददाश्त, जो कुछ थोड़ी बहुत बाकी है उसी से काम चला लूंगा मैं। रवीना जी, ये बीमारी छूने से फैलती है, इसके इलाज के लिए आदमी तो क्या, इससे खाना भी एकदम दूर रखना चाहिए। कहते हैं कि दोबारा उसी जगह पर चोट लगने से याददाश्त वापस लौट आती है। ऐसा भी होता है? नहीं नहीं, तो फिर उसे एक और डंडा मारा जाए। Why not? Not a bad idea. नहीं नहीं, लेकिन डंडा उसी नस पे पड़ना चाहिए, और वो भी कस के। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ, दो चार बार मारूंगी तो सही जगह तो लगी जाएगी ना डॉक्टर? Yes! मर गया यार। नहीं रवीना जी, आपने पहले मारा था ना, अब मैं ट्राई करती हूँ। What do you mean? लाया था इसको? अरे बहुत पढ़ के पढ़ने वाले हैं तेरे को, कस के पढ़ेंगे। मैं मारूं? ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, सिर्फ ये बताइए कि मरीज को कब और कितने डंडे मारने हैं। सर मैं मारूं? अरे शट अप, दो और ये दो, चार। सबको बराबर का मौका मिलेगा, मरीज के उठते ही दो डंडे तुम मारना, और जब जब मरीज सोना चाहे तब तब दो दो डंडे देना। सर सबसे पहले मैं उठता हूँ सर, पहले दो डंडे। शट अप, डॉक्टर मैं हूँ, पहले दो डंडे मैं मारूंगा। रवीना जी कहीं ना कहीं डॉक्टर। छोड़ मुझे, बचाओ मुझे। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब घबराने वाली बात तो नहीं है ना? इंजेक्शन तो मैंने दे दिया है। हाँ। दवा के साथ दुआ और डंडे की बहुत जरूरत है, डंडे मारना ना भूलिए, और जब तक ये पेशेंट ठीक नहीं हो जाए तब तक मैं इसी घर में रहूंगा। वेरी स्मार्ट, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मैं ऐसे ही हूँ।
रॉबर्ट, इनको आउटहाउस में ठहरा देना। आउटहाउस नहीं, इसी घर में आपके कमरे के पास। तो ठीक है, मेरे सामने वाला कमरा दे देना। नहीं, साइड में कुछ नहीं है? मेरे साइड में है। नहीं, सामने चलेगा। ओके, थैंक यू। कितने अच्छे हैं ना डॉक्टर। ए, डॉक्टर को देख के तू भी बीमार हो गई क्या? नहीं। चलो चलो, टीलू को डंडे मारने। हाँ, चलो चलो, डंडे मार।